बाह्य जगतरु विच्छिन्न मालकानगिरी जिल्लार समस्त छोट बड़ पोल उपरे प्रवाहित होउछि पन्या जल। जिल्लार पांगम MV7 पोचेरु बड़िली MV90 MV96 पोल उपरे प्रवाहित होउछि बन्या जल। मटु कालीमेला मालकानगिरी जयपुर को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। बंडा घाटी रे पत्थर खसि यातायात बाधाप्राप्त होइछि। भूस्खलन जो एकर एकर चाष जमी जलमग्न। पोटेरु गाँव और मलकानगि सहर अधिकांश स्थान रे घरे पशिचे बन विक्रम साय मलकानगि अधिक सूचना पाए सहित लाइव जोड़ी होती। विक्रम वर्तमान स्थिति कौन रही बन्या परिस्थिति कोभली रूप नेउछि एवं एथसहित जो माने क्षतिग्रस्त होउछन्ति सेमानंकु किभली सुव्यवस्थित थैथान करा जिवो कोन सब प्रशासन व्यवस्था करिछि विक्रम निश्चित रूप देखु दीर्घ दुई दिन वर्षा वर्षा पर वर्तमान तार प्रकोप देखा मिलूँ। जिलार समस्त तलुआ पोल जो रही पांगाम कथा कह सात नंबर तमसा नदी पोटेरु बदली MV96 MV90 एसबूता सहित कन्याश्रम भी एसबू पोल पा चली जहाँफल कि मलकानगि जिला गोटे प्रकार संपूर्ण भाव बाह्य जगत विच्छिन्न होती। मोटू सहित कालीमेला कालीमेला को मलकानगि पड़िया सहित कालीमेला एसबूता सहित मलकानगि जयपुर 326 नंबर जातीय राजपथ जोगाजोग संपूर्ण ठप हो जाइए। मलकानगि सदर विभिन्न साई मध्य पा पशिच्छी बालीमेलार विभिन्न कलोनी साई मध्य पा पशि सहित बंडा घाटी बेस प्रभावित होगा सब स्वाभिमान अंचल जंत्री पंचायत वर्तमान संपूर्ण रूपए बाह्य जगत विच्छिन्न अच्छी। वर्षा तांडव दुई दिन धरी गत राति अनवरत वर्षा जारी रही आज सका किसी समय वर्षा होगा वर्तमान वर्षा कमी सत किंतु एवं वर्षार प्रकोप देखा मिलूँ। मुझे तमसा नदी जो नदी बनिया जल पाखे अच्छी होती सात नंबर सात नंबर पाखे यू मलकानगि सहर उपकंठ रू संपूर्ण जब कह आग कथ कह पोटरु गाँ मध्य पा पशिच किंतु प्रशासन गोटे बड़ चैलेंज रही कहीं जेहेतु पोटरु गाँ भितर पा पशिच किंतु प्रशासन से संभवपर ना समस्त रास्ता बंद रही कि दमकल बाहन बोट मध्यम क्रस कर पोटरु स्थानातरण प्रक्रिया आरंभ कर सूचना मिलूँ कि सब बड़ कथ हो बर्तमान जो भाव वर्षार प्रकोप रही आगामी जो लघुचाप प्रभाव जो आगामी 11 तारीख पर्यटन वर्षा रही कि वर्षा जारी रहे तो मलकानगि स्थिति बेहाल होगा निश्चित रूप अच्छी। आम आलोचना करा स्थानीय बासिंदा अच्छा आम सहित कौन रही स्थिति कौन रही पा के आसला वर्षा स्थिति राति तो दुई तीन दिन हो पूरा फुल वर्षा होलकानगि राति डिस्कनेक्ट हो जाए रात फेर बेलू भी बहुत पा था रोड उपरे मो गाड़ी मत बंद हो जाता तापर रात्रि जमी पलैलु आहरी सकाल दुकान जो बेलू देलु ये पूरा बुड़ जाइए ब्रिज फ्रिज सब एवं रेस्क्यू रे जन को बाहर करतरु डिस्कनेक्ट अच्छे रोड आ संपूर्ण भाव बाह्य जगत विच्छिन्न अच्छी मलकानगि किंतु बड़ कथ आज सका तमसा नदी बनिया जल भितर तीन जन व्यक्ति तीन भाई फसी रही है उद्धार कर दमकल बाहन दुईट टीम दीर्घ गोटे घंटार अपरेसन में सफल होती सुरक्षित भाव उद्धार करष जमी चाष क्षेत्र सुरक्षापी जाते कि रात हठात पा आसवर से फसी रही है कितु जो भाव में प्रशासन जमी कहूँ प्रशासन गोटे बड़ चैलेंज रही जेहेतु संपूर्ण बाह्य जगत विच्छिन्न रही किसी जगह को प्रशासन पहुँचा संभवपर नुहे आलोचना कर आज जन व्यक्ति अच्छा कौन रही स्थिति केत पा आसला प्रशासन पहुँचला कि ना लोक ना प्रशासन पहुँची थे आउ गले जन को रिलीफ करने गले फायर स्टेशन बाला आउ पटर भी बुड़ी गले आखंडा 23 पड़िया से सब भयंकर कुरकंडा ब्लक भी पड़िया ब्लक कालीमेला ब्लक सब भयंकर हो गले आ सात नंबर के गाँ देखु 8-10 गाँ पूरा बुड़ी गले आठ अवस्था भी रास्ता खराब गाड़ी भी जापना आकुंडा ब्लक 50 नंबर भी सही 8-10 गाँ घर बुड़ी गले उधार तीन जन हाँ पा भर को जाकिनज आठ रखीदे रखी सेपटे गले कालीमेला पटे गले रूपे कालीमेला अभिमुखे जो पोटेरु गाँव में पा पशिच पोटेरु गाँव रोटेरु पोल उपर 10-12 फुट पा चलती जहाँफल पोटेरु गाँव राँ मध्य पा पशिचे जो पोटेरु थाना कथा कह पोटेरु तमाम अंचल पा बर्तमान लहरी मार्च राजस्थान पा लहरी मार्च पोटेरु गाँव में लहरी मार्च जोटा कि दमकल बाहन दुई तीन टीम से जाइंट जो जगह पा अच्छी बोट्र साज्य गाड़ी साज्य नि जगह पहुँचापी
तमाम चेष्टा चलछि किंतु मालकानगिरी चित्र आमे देखु छे सब आडे चारियाडे जलमग्न अवस्था देखबा को मिलु छे एवं एथि सहित जो माने विपन्न अछन्ति तांकु किबळी सहयोग करा जीव सेति बे रेस्क्यू टीम मध्ये आसी पहुंचि छन्ति प्रशासन सब प्रकार व्यवस्था करिया पे चेष्टा चलै छन्ति किंतु आगो को यदि अति वर्षा हबो ताले परिस्थिति भयंकर हबो जहां चित्र रो आमे देखि पारु छे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपन को समस्त सूचना पाई। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।